विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, जल एवं रुक्षण आदि के ग्रहण को पोषण करते हैं। अर्थात वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। अब हम आगे पोषण की क्या विधियां हैं इसका हम कुछ चार्ट के माध्यम से साथ अवधारणा जो इसका है अवधान है हम उसे चार्ट के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। तो बच्चों विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं उसे हम एक अवधान टेबल के माध्यम से देखेंगे। जैसे भोजन के घटक, घटक में जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन या खनिज। अब इसके विभिन्न कार्य हैं। कार्बोहाइड्रेट यह मुख्य रूप से ऊर्जा का एक स्रोत है जिसे हम भोजन जब करते हैं तो हमें प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे अनाज है, चावल, गेहूं, साबूदाना इत्यादि। प्रोटीन मुख्य रूप से प्रचुर मात्रा में हमें प्रोटीन देता है और यह टूटे फूटे जीव के विभिन्न अंग जो टूट फूट जाते हैं उसकी यह मरम्मत करने का कार्य करता है। जैसे दलहनी, चीज, दही, पनीर इत्यादि में प्रोटीन जैसे विभिन्न प्रकार के प्रचुर मात्रा में मिलते हैं जो प्रोटीन के स्रोत हैं। वसा उसके बाद विटामिन व खनिज। तो ये हम अवधान के माध्यम से देखें कि भोजन के क्या घटक हैं। अब हम आगे जो भोजन जंतुओं में पोषण की विभिन्न जो विधियां हैं हम उसके बारे में देखेंगे। तो भोजन ग्रहण की विभिन्न विधियां हैं वेज ऑफ टेकिंग फूड। एक नंबर है जैसे चूसना, तितलियां, मधुमक्खियां, हमिंग बर्ड आदि जो जीव हैं वे सभी फूलों से रस चूसते हैं यानी चूसन विधि के द्वारा या भोजन को ग्रहण करते हैं। पीना जैसे शिशु का मां से दूध पीना, शिशु जो है इसका भोजन ग्रहण करने का विधि है पीना। पीने के माध्यम से वह भोजन को निमा से ग्रहण करता है। तीसरा है निगलना, सरीसृप जाति के जितने भी जैसे अजगर, छिपकली, गिरगिट, सांप ये सभी हैं वे सीधे जीवों को अपने आहार के रूप में निगलकर ही वे प्राप्त करते हैं। छिलना, काटना, पकड़ना आदि ये सभी भोजन ग्रहण की विभिन्न विधियां हैं। अब हम भोजन हमारे लिए तीन रूपों में आवश्यक है हम उसे एक टेबल अवधान के माध्यम से आगे देखेंगे। तो पोषण में हमारा भोजन की आवश्यकता किन रूपों में होती है हम इसे एक टेबल के माध्यम से देखेंगे जिससे हम अवधान इसमें हमारा क्या है। सबसे पहले जनन, भोजन अगर हमें आवश्यकता होती है तो जनन के लिए होती है। भोजन की आवश्यकता होती है तो वृद्धि व रख रखाव के लिए होती है। भोजन की आवश्यकता होती है तो ऊर्जा के लिए होती है और भोजन की आवश्यकता होती है तो रोगों से सुरक्षा के लिए होती है। इसे बखूबी हम इन्हीं सभी कार्यों के लिए भोजन को हम ग्रहण करते हैं और इसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से सहित मीन्स बैलेंस डाइट यानी संतुलन भोजन, संतुलित आहार यानी संतुलित भोजन ही हम करते हैं। अब हम आगे जो पोषण जंतुओं में पोषण के जो विभिन्न चरण हैं हम उसे बारी बारी से देखेंगे कि कौन कौन से चरण हैं जिसके माध्यम से हम भोजन को ग्रहण करते हैं और सभी पोषक तत्व प्राप्त कर हम बहिष्करण करते हैं। तो आगे हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों जीवों के पोषण प्रणाली के विभिन्न चरण ये मुख्यतः पांच चरण होते हैं। जो पहला हमारा है अंतर्ग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण, चौथा है स्वांगीकरण असिमिलेशन
और पांचवा है आपका बहिष्करण, इंजेशन। तो सबसे पहले हम लोग अंतर्ग्रहण इंजेशन जो होता है वो हम सभी भोजन को जब सबसे पहले लेते हैं तो मुख गुहिका के माध्यम से लेते हैं, और जो मुख गुहिका जो है वो सबसे पहले मुख में लेते हैं और दांतों से उसे भोजन को अच्छी तरह से काटकर पीसकर चबाकर हम उसे ग्रसिका के माध्यम से नीचे की ओर उस भोजन को भेजते हैं। तो आगे का जो चरण है उसके बाद जो हमारा जो पाचन होता है वो किस जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हम उसको बारी बारी से देखेंगे। ओके, अब हम देखेंगे कि मनुष्य में पाचन डाइजेशन इन ह्यूमन। सबसे पहले मनुष्य में भोजन मुख गुहिका में जाता है, आहार नाल से गुजरता हुआ मुख के बाद आहार नाल से गुजरता हुआ गुदा या मल द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा मनुष्य में पाचन जो एक मनुष्य में पोषण में अंतर्ग्रहण से के बाद जो हमारा मनुष्य में पाचन क्रिया होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हम भोजन को ग्रहण करते हैं और ग्रहण का माध्यम हमारा मुख गुहिका जो ग्रसिका के द्वारा होते हुए अमाशय छोटी आंत बड़ी आंत के द्वारा गुदे में जाता है और यह है। तो पाचन मीन्स जो पाचन क्या है हमें इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि जो जटिल पदार्थ है उसको यह सरल पदार्थ में कन्वर्ट करता है और यह गुदा या मंजवार के द्वारा यानी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। अर्थात पाचन जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है। हम इसे एक सिंपल सा एग्जांपल के रूप में देखेंगे कि जो भोजन का जो जटिल कण है जो जटिल रूप है हमेशा एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, ये हमारा जटिल रूप है, जटिल पदार्थ। और इसी का जो सरल पदार्थ में जो कन्वर्ट होता है यानी ये सिंपल सा है, ये सभी अलग अलग होकर के और मल द्वार या गुदा के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में रहता हुआ बाहर निष्कासित हो जाता है। अब हम इसे एक टेबल के माध्यम से जो हमारा मनुष्य में पाचन है उसको हम दिखाना चाहेंगे। तो आप देखेंगे ये हम एक हेक्सागोनल डायग्राम के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि मनुष्य में जो पाचन क्रिया होती है वो सबसे पहले वो गुहिका से शुरू होता है, ग्रसिका होते हुए अमाशय में पहुंचता है, अमाशय से होकर के क्षुद्रांत में से ये जो छोटी आंत होती है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद जो है गर्भद्रांत के पास जाती है जितने भी जो पाचन के रूप में आती है और वो लास्ट जो गुद्दा यानी मल द्वार से होते हुए हमारा जो भोजन का जो है अपशिष्ट पदार्थ है वो निष्कासित हो जाता है। अब इसके पाचन में जो हमारा ग्रंथियां हैं वे कौन कौन से ग्रंथि सहायक होते हैं, रस कौन कौन से पाचन में सहायक होते हैं, हम उसे एक ट्राइगोनल यानी के द्वारा हम उसे दिखाना चाहेंगे। तो इस ट्राइगोनल डायग्राम के माध्यम से देखना चाहेंगे कि मनुष्य में जो पाचन होती है वो सहायक ग्रंथियां लाल ग्रंथि जो इसके रस को कन्वर्ट करता है और यह यकृत भी पाचन में सहायक होता है और अग्नाशय भी भोजन के पाचन में एक ग्रंथि के रूप में सहायक होता है और यह भोजन को रस पाचन के रूप में कन्वर्ट करके यह अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में सहयोग करता है। तो बच्चों आज का जो हमारा जंतुओं में पोषण है आज
विभिन्न प्रकार के हम जो सिस्टम्स हैं वो पाचन का और जंतुओं में किस प्रकार से पोषण प्राप्ति के स्रोत हैं, वे विभिन्न प्रकार के जो एनिमल्स हैं उनका क्या विधि होता है भोजन ग्रहण करने का और पाचन की क्रिया का, तो हम सभी इसके बारे में विस्तृत जानकारी ली। और अब आपका आगे ग्रह कार्य है जिसको आप सभी नोट करेंगे। यहाँ तक फाइनल हो गया।